हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। टेलीप्रेम बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन दोस्तों एंट्री अपन करने वाले हैं बैंक पेमेंट की, क्योंकि प्रीवियस में अपने एक वाउचर को क्रिएट किया था, जो वाउचर अपना था बैंक पेमेंट का, और उसमें अपन इस वीडियो में एंट्री कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से अपन उसमें एंट्री कर पाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं, अपन इसमें पेमेंट की एंट्री करेंगे जो अपन सप्लायर को करते हैं, यानी कि जिन लोगों से अपन परचेज करते हैं वो अपने सप्लायर होते हैं और उनको अपन को पेमेंट करना होता है, क्योंकि क्रेडिट में अपन कुछ सामान परचेज किए होते हैं, प्रीवियस में हमने किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन उसको देख लेते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ से अपन आएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ से आने के बाद यहाँ आप आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और आउटस्टैंडिंग में आते हुए यहाँ से आप टेबल्स पर आ जाएंगे। ये आपको सारी की सारी पेंडिंग अमाउंट जो है वो यहाँ से शो होने लग गई है। अब यहाँ अपन शंभू बुक बैंक को यहाँ पेमेंट करने वाले हैं, जिसकी यहाँ से टोटल अमाउंट है 36,580 रुपये। अब इसको अपन देखे पे करते हैं। पे करने के लिए सबसे पहले तो अपन इस अमाउंट को ध्यान में रख लेते हैं, 36,580। देन यहाँ से गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं और ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में चले आते हैं। वाउचर में चले आने के बाद यहाँ अपन पेमेंट के वाउचर में तो हैं, लेकिन यहाँ से भी अपन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन बैंक के थ्रू उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो F5 की प्रेस करेंगे और बैंक पेमेंट के वाउचर को ओपन कर लेंगे। वाउचर टाइप के अंदर ये देखिए दोस्तों, जो आपको दिख रहा है वाउचर टाइप, यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। जैसे इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आप आ जाते हैं अकाउंट्स में। उससे पहले भी आप डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेट हम यही रखने वाले हैं 1/12। इंटर देन यहाँ से आप अकाउंट्स में आते हैं। तो अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ से स्क्वेयर की प्रेस कीजिए, और यहाँ से आप जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अपन तो बैंक से पेमेंट करेंगे क्योंकि अपना बैंक पेमेंट से रिलेटेड ये वाउचर क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ अपन SBI बैंक को सिलेक्ट करवा लेते हैं। जैसे SBI बैंक को सिलेक्ट करवा लेते हैं, देन यहाँ से अपना करंट बैलेंस आ जाता है। बैलेंस आने के बाद यहाँ से आप जिसको भी पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से आपको कस्टमर और सप्लायर और आइटम्स सबकी लिस्ट यहाँ से मिल जाती है। लेकिन आइटम्स की सॉरी दोस्तों, यहाँ से आइटम्स की नहीं मिलती, जितने भी लेजर्स आपके हैं उन सब की यहाँ से लिस्ट मिल जाती है। तो सबसे पहले अपन शंभू बुक बैंक जो है अपना, जो एक सप्लायर है, ये देखिए दोस्तों ये आपको मिल गया है, इसको अपन पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करवा लेते हैं। अब इसका यहाँ से करंट बैलेंस जो पेंडिंग है, क्रेडिट है, वो है अपना 40,829 रुपये। लेकिन अभी तो इसको अपन ओनली पेमेंट करने वाले हैं 36,580 रुपये। देन यहाँ से जो ही अपन इंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने सामने आ जाती है, बिल वाइज डिटेल्स फॉर शंभू बुक बैंक सप्लायर अप टू 36,580। तो यहाँ से इसको अपन अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करवाते हुए अब यहाँ से सेलेक्ट करवा देते हैं पेंडिंग बिल, किस बिल के अगेंस्ट अपन यहाँ से इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन 07 पर यहाँ इसको पेमेंट कर रहे हैं, इसको ऐसे ही सिलेक्ट करवा देते हैं। सेलेक्ट करवा देने के बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको आ चुका है अगेंस्ट रेफरेंस, और इसको वापस इंटर प्रेस करते हुए यहाँ से अपन नरेशन डाल देते हैं। नरेशन डालते हुए यहाँ से आपको बैंक एलोकेशन फॉर SBI बैंक, यहाँ से इसको बैंक की डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ से आप ये चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अदर कर रहे हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ चेक को ही सिलेक्ट करवा देते हैं। देन यहाँ से चेक रेंज, यहाँ से इसको नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसके नंबर सेलेक्ट करवा देते हैं अपन। इंटर, ये आपकी डेट आ जाती है, और यहाँ से इसका अब नरेशन डाल दीजिए। नरेशन डाल देने के बाद यहाँ से वापस इंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये दोस्तों अपनी बैंक पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं अभी यहाँ से अपनी रिपोर्ट पेंडिंग अमाउंट की, तो उसके लिए आप वापस डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, देन यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, देन यहाँ से आप पेबल रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी ओनली एक ही शंभू बुक बैंक सप्लायर का अपने को लेजर शो हो रहा है, जिसके अमाउंट बाकी 4,229 रुपये। 36,580 रुपये जो थी 7 नंबर वाउचर की, यानी कि रेफरेंस नंबर जिसके 07 थे, वो अपने पेमेंट कर दिया है। अब दोस्तों जो आपने पेमेंट की है उसको देखना चाहते हैं, तो ओल्ड के साथ जी प्रेस करेंगे। देन यहाँ से आप आएंगे पेमेंट, यहाँ से आ जाएंगे आप पेमेंट एडवाइज में। एडवाइज में आने के बाद अपने शंभू बुक बैंक जो अपना सप्लायर है उसको पेमेंट किया है। तो ये देखिए दोस्तों, एक अपना SBI बैंक से नॉर्मल पेमेंट किया हुआ है। देन ये अब आज जो 1 दिसंबर को अपन ने पेमेंट किया है, वो बैंक पेमेंट है, SBI बैंक बैंक पेमेंट। ये यहाँ से 36,580 रुपये का अपन ने इसको पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स को ज्वाइन करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।